इस बीच आपको बता देते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। कल केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा। आज स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई। ये वही स्मृति ईरानी है जो अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा चुकी है। केरल के वायनाड में रोड शो के बाद स्मृति ईरानी ने TV9 भारतवर्ष के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, कल राहुल गांधी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाए गए। पाबंदी के बावजूद राहुल गांधी PFI से समर्थन ले रहे हैं। बट मैम, राहुल का मानना है कि वायनाड के लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है और उसी सपोर्ट किया है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि PFI जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद PFI के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है, तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने PFI की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने आज केरल के वायनाड में BJP के उम्मीदवार के सुरेंद्रन के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर कई तरह के सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा, वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना है, मोदी राज में अमेठी में गरीबों का भला हुआ। मैं उस क्षेत्र से आई हूं जिस क्षेत्र में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा। कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं, 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस पहली बार तब बना जब मोदी की सरकार बनी। 50 साल जिस अमेठी को गांधी परिवार ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख परिवारों को, 16 लाख नागरिकों को घर में शौचालय तक मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख लोगों को अपना घर मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 50 साल जहां पर गांधी खानदान का राज रहा वहां 12 लाख लोगों को घर में नल का तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। अब सुना है कि कल गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं, इस बार वायनाड